दिन से इतनी तेज हवा चल रही है कि इंसान उड़ी जाए, और रात में तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी और इतनी तेज कि बस पूछो मत। और मुझे जस्ट अभी अभी एक पार्सल रिसीव हुआ है वेस्टर्न ग्लो की तरफ से, और वेस्टर्न ग्लो वालों ने हमारे पास ये प्रोडक्ट्स भेजे हैं फॉर रिव्यू। रिव्यू करने के लिए ये प्रोडक्ट्स भेजे गए हैं, और ये हमारे चैनल के फर्स्ट स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं, और ये हमारी चैनल के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, और ये सब आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से है। थैंक यू सो मच फॉर इतना सारा प्यार और इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमें इसी तरह से प्यार करते रहेंगे, प्यार देते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे। और अभी चलते हैं जल्दी से और इस डिब्बे को खोल लेते हैं, क्योंकि मेरे अंदर तो बड़ी खुजली हो रही है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इसको खोलने के लिए और मुझसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इसको हो रही है, ये चिल्लाई जा रही है तब से, वो आप खोल लो खोल लो खोल लो। तो अभी जल्दी से इसको खोल लेते हैं और देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स उन्होंने भेजे। बोला भी नहीं जा रहा एक्साइटमेंट की वजह से। तो देख लेते हैं कि वेस्टर्न ग्लो वालों ने कौन कौन से प्रोडक्ट्स भेजे हैं हमें। तो बस है ना, अप्रैल फूली बनाई जा रही है, कभी चूहा कभी बिल्ली कभी छिपकली कभी ये कभी वो। अब मैं जल्दी जल्दी ना इसको खोलने जा रही हूँ, और यहाँ मेरे पास है चाकू इस बॉक्स का मर्डर करने के लिए। खाली है, खाली एक तरीके का बिल टाइप है, लेकिन हमें तो बिल पे करना नहीं था ना, हमें तो फ्री मिला है ना ये सब रिव्यू के लिए। सो सबसे पहले तो इसमें निकला है एलोवेरा जेल, सेकंड इसमें निकला है थेना पैक, थर्ड चीज इसमें निकली है हेयर मेड ऑयल 100% ऑर्गेनिक, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं पता नहीं क्या क्या है, पढ़ना पड़ेगा। और डिब्बा खाली खाली, सिर्फ थ्री प्रोडक्ट्स आए हैं। अभी मैं आपको जल्दी जल्दी से ना इनका थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ। सो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है हमारा वो है एलोवेरा जेल, जो कि 100% प्योर एलोवेरा जेल है वेस्टर्न ग्लो की तरफ से। और इसके अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो इसमें एलोवेरा जूस है 80%, एक्वा है 9%, एलोवेरा पल्प है 11%, और जेल यूसेज वगैरह बता रखे हैं इन्होंने, तो ये स्किन और हेयर्स दोनों के लिए है, और ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए है सिर्फ, और इसके ऊपर कुछ बेनिफिट्स वगैरह दे रखे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वेस्टर्न ग्लो की तरफ से हेयर मेड ऑयल, जो कि 100% प्योर ऑर्गेनिक है, और इसके डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है रिजल्ट्स इन वीक्स, मतलब कि इसको 15 दिन अगर आप लगाते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। नीचे लिखा हुआ है सॉल्यूशन फॉर हेयर ग्रो, डैंड्रफ, जूं, और जो गंजापन हो जाता है उसके लिए है, और हेयर फॉल के लिए है। ये नीचे इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, और साथ ही ये 100 ml का आता है 385 rupees का। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा वेस्टर्न ग्लो की तरफ से हिना हेयर पैक विद 10 रेयर हर्ब्स, ये 100% ऑर्गेनिक है, और ये 179 rupees का आता है। साथ ही में पीछे लिखा हुआ है कि इसको यूज कैसे करना है, और अगर हम आगे की तरफ देखते हैं तो इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे हुए हैं, साथ ही में इसके बेनिफिट्स भी लिखे हुए हैं। हर एक इंग्रेडिएंट का बेनिफिट इन्होंने अलग से मेंशन कर रखा है। सो ये तीनों प्रोडक्ट्स हैं, ये है हेयर ऑयल, ये है हेयर मास्क मतलब कि हिना पैक, और एक है एलोवेरा जेल जो स्किन और हेयर्स दोनों पे हम यूज कर सकते हैं। सो ये तीन प्रोडक्ट्स हैं, वैसे तो ये तीनों ही प्रोडक्ट्स नेचुरल ऑर्गेनिक हैं और GMP एंड ISO सर्टिफाइड हैं, बट सबसे पहले मैं इन तीनों को ही पर्सनली यूज़ करूंगी, देन मैं आपके साथ इसका रिजल्ट शेयर करूंगी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आप अगर इनको लेना चाहते हो तो आप इनको आराम से ले सकते हो। वैसे ये जो पेज है ये वेस्टर्न ग्लो, ये इंस्टाग्राम का एक पेज है, और इसकी जो लिंक है आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। और एक बात और, इन्होंने हेयर ऑयल पे रिजल्ट इन वीक्स लिख रखा है, मतलब कि कुछ ही हफ्तों में इसके रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको यूज़ करूंगी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ इस हेयर ऑयल को यूज़ करने के लिए, क्योंकि इस समय ऐसा मौसम चल रहा है ना कि हेयर्स की प्रॉब्लम, हेयर फॉल या फिर गंजेपन की प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो रही है, और हेयर फॉल की प्रॉब्लम मुझे भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसको एक्साइटेड हूँ यूज़ करने के लिए और इसके रिजल्ट देखने के लिए। अगर ये हेयर ऑयल सच में काम करता है ना, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी इसको ले लेना। बट सबसे पहले बात ये आती है कि ये वर्क करता है या नहीं करता है, तो मैं इसको पहले यूज़ करके देखूंगी, देन मैं आपको इसके रिजल्ट आपके साथ शेयर करूंगी। और हाँ, अगर आप इन प्रोडक्ट्स की डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो, रिव्यू वीडियो, एक्सपीरियंस वीडियो, रिजल्ट वीडियो देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब होगा तभी आपको पता लग पाएगा कि मेरे चैनल पर इनकी डिटेल वीडियो कब आई, कब अपलोड हुई। तो आपको जब पता लगेगा तभी तो आप देख पाओगे ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 कर लीजिएगा। अब आन्या करके दिखाएगी हुला हू, जल्दी करके दिखाओ।
अच्छे से करके दिखाओ। इसे हम लोग रिंग भी कह सकते हैं। रिंग भी कह सकते हैं। और टेस्ट टेस्ट करके दिखाओ। ये तो मैं आपको बता रही थी ना, एक साथ फूल आएंगे, वो आ तो गए हैं, लेकिन धूप इतनी तेज है कि ये बेचारे सारे मुरझा गए। दो दिन इनमें पानी भी नहीं पड़ा ना, इसलिए और ज्यादा मुरझा गए। ये भी मुरझा गया, सब मुरझा गए। भैया आराम से देख रहे हैं, बहना कर रही हैं। बाबू 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 ओए नहीं 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 बाबू। हाँ, इसे हल्का कर लो। क्यों बाबू, ये तो सब कुछ मुंह में डालेगा। हाँ, ये सब कुछ मुंह में, सब कुछ मुंह में। आज हम करने जा रहे हैं गोलगप्पे की पार्टी। क्यों? क्योंकि आज आए हमारे प्रोडक्ट्स। यस। पहली स्पॉन्सर्ड यार, प्रोडक्ट्स आए हैं तो पार्टी तो बनती है। फिलहाल तो वैसे हम कल बनाने जा रहे थे, लेकिन हुआ क्या, वो जो क्या बोलते हैं, जो आटा गूंथा था ना गोलगप्पे बनाने के लिए, वो बेचारे में सोडा ज़्यादा पड़ गया, तो उसकी बाद में हमें पूरियाँ बेलनी पड़ी, पूरियाँ नहीं पराठे सॉरी। फिर हमने उस पराठे को खाया और पानी तो बन ही चुका था, तो हमने सोचा यार पानी बन चुका है और आज अच्छा मौका है गोलगप्पे बनाने का, गोलगप्पे पार्टी करने का। तो आज हम फिर से गोलगप्पा बनाने जा रहे हैं और इसको कैसे बनाना है वो भाभी बताएंगी। हाँ भाई, पहले हम लेंगे एक कटोरी सूजी, उसमें हम 2 पिंच सोडा डालेंगे, ओनली 2 पिंच। और यहाँ पे हमने गरम तेल कर रखा है, मतलब रिफाइंड है ये, गरम रिफाइंड है और गरम ही हमने पानी कर रखा है। और इसमें हम 8 स्पून ऑयल डालेंगे। 8 6 7 8। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। रेसिपी बता रहे हैं जैसे कुकिंग चैनल है हमारा। अब जब ये बन जाएगा ना तब दिखाएंगे, फालतू में आप लोगों का टाइम खोटी क्यों करें, है ना भाई। Very yummy. बहुत स्वादिष्ट। ये आने तुम बताओ जल्दी से खा के। तू ले बेटा। So yummy. हाँ यहाँ पे भी लग गया यम्मी। मम्मी आप खाओ। हाय मेरी नगरिया। फिर खा लें। बहुत ही टेस्टी, मजा आ गया। आपकी बारी। फिर बाबू की बारी आएगी। बाबू तो अपना हाथ ही खाते हैं बस, बाबू और कुछ नहीं खाते हैं। बाबू इतना कुछ बना नहीं है। बहुत टेस्टी बने। को मैंने तो बनाया। इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे गोलगप्पे, इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे कि पेट फुल हो चुका है और आत्मा तृप्त हो चुकी है। हिचकी थी या डकार थी, इतना ज़्यादा पेट भर गया ना गोलगप्पों से कि हिचकी और डकार दोनों मिक्स होकर आई है। मेरे साथ साथ ना मेरा पेट भी ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि आज हमारे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आए हैं और मैं बहुत बहुत बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर आपको उनकी डिटेल वीडियो देखनी है ना तो मेरे साथ बने रहिएगा। 15 दिन में पहले खुद यूज़ करके देखूंगी उस ऑयल को और एलोवेरा जेल को, और जो मेहंदी पैक है ना हिना पैक, उसको मैं लगा के देखूंगी। फिलहाल तो उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो एक बार में ही पता लग जाएंगे, और वैसे भी हिना पैक जो होता है वो 1 महीने में एक बार ही यूज़ किया जाता है। डकार पे डकार आई जा रही है, आई जा रही है।
सो मैं हर प्रोडक्ट का अलग अलग रिव्यू करूंगी, सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, हर प्रोडक्ट की कैसे यूज़ करना है, कैसा क्या सब कुछ बताऊंगी। अगर आपको उन प्रोडक्ट्स की डिटेल में वीडियो देखनी है तो मेरे साथ बने रहिएगा, 15 दिन मैं खुद यूज़ करूंगी, देन मैं आपके साथ उसके रिजल्ट्स एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। सो इस व्लॉग में इतना ही, आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और मेरी मेहनत जो है वो अब रंग ला रही है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। थैंक यू सो मच फॉर इतना सारा प्यार करने के लिए और इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग या फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू ऑल योर सेल्फ, घर में रहिएगा क्योंकि कोरोना वायरस फिर से आ चुका है, इसलिए सेफ्टी पहले है, ज़्यादा इधर उधर मत घूमिएगा बाहर, और मास्क और सैनिटाइज़र को अपने साथ ज़रूर रखिएगा और उसको यूज़ भी करिएगा, रखने से काम नहीं चलेगा। ओके, देन बाय बाय।